हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम प्रथम, थर्ड ईयर अंडरग्रेड एट बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, एंड आई एम हियर विथ माय फ्रेंड मनराज, हु क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप दिस ईयर फ्रॉम अवर कॉलेज। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दैट आप में से काफी सारे बच्चे हो गए जिनका सपना होगा टू क्रैक बिग टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको थोड़ी हेल्प और गाइडेंस मिले इस वीडियो से। मनराज विल शेयर हिज जर्नी, हिज रेज्यूमे, हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड काफी सारी टिप्स आप लोगों के लिए। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इट विल डेफिनेटली help you. So without wasting any more time, let's start this video. तो सबसे पहले वेलकम मनराज टू माय चैनल। थैंक यू मनराज। तो आपके बारे में सबको बताइए सो दैट द ऑडियंस कैन कनेक्ट विद यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनराज है एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब। I am currently pursuing my third year in computer science from BITS Pilani Goa campus. तो सबसे पहले मनराज, जिन लोगों को नहीं पता what is internship season, मतलब ये internship होता क्या है, कॉलेज में internship season कैसा होता है, तो आप वो थोड़ा explain करिए थोड़ा audience को। Basically जो pre-final year students होते हैं उनके लिए placement unit के through companies आती हैं for hiring interns for the summer, next summer. तो CGPA criteria होता है and online portal पे apply करना होता है। So उसके बाद एक कोडिंग राउंड होता है, फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड और उनकी इंटरव्यूज के बाद सिलेक्शन। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनराज ये बताओ कि CGPA कितना इंपॉर्टेंट है ये इंटर्नशिप्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो बोलते हैं भाई कॉलेज में आगे जेई हो गई अब पढ़ाई नहीं करना, तो बताओ आपकी CGPA कितनी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स में। मेरे ख्याल से CGPA एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटर्नशिप्स का, पूरा उसी पे रिलाई नहीं करता, ऑब्वियसली स्किल्स भी मैटर करती हैं, बट ऐसा नहीं हो कि स्किल्स बहुत अच्छी हो और CGPA है ही नहीं तो कंपनीज अलाउ ही नहीं करती कोडिंग राउंड देने को, तो फ़ायदा नहीं हो उस चीज़ का। सो एक डिसेंट इनफ CGPA होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कंपनी शॉर्टलिस्टिंग में भी क्राइटेरिया रखती है, पहले 7 होगा शॉर्टलिस्टिंग में, शॉर्टलिस्टिंग 8.5 8 प्लस वालों को करेंगे, तो वही है। वही मतलब बेसिकली बहुत सारी कंपनीज क्राइटेरिया रखती है 7.5, बट जब शॉर्टलिस्टिंग का टाइम होता है तो वो कोडिंग राउंड तो देखते ही है कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट उसमें फिर वो ये भी देखते हैं कि उसकी CG कितनी है। अगर 7.5 वाले का कोडिंग राउंड थोड़ा अच्छा भी गया होगा, बट वो कंपनीज ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपनीज की वो 8.5 वाले को सिलेक्ट करे और 7.5 वाले को सिलेक्ट ना करे। और मनराज एक और चीज़ बताओ, इज इट रियली पॉसिबल टू लर्न DSE इन 30 डेज और 60 डेज? बहुत सारे वीडियोज होते हैं कि लर्न DSE इन 30 डेज, लर्न DSE इन 60 डेज, मतलब कितनी सच्चाई है इसमें, ये पॉसिबल है या नहीं है? आई डोंट थिंक बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके कंप्लीट करना DSE 30 या 60 डेज में भी पॉसिबल है। कम से कम यानी 3-4 मंथ्स तो आपको चाहिए कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम सीखने में, फिर अगर आते ही उतनी नॉलेज है कि पता है कि बेसिक एल्गोरिदम्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तो अच्छा, हाँ 30-60 डेज उसमें हो सकता है, सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो आप लोग समझ गए ना कि अब से ये वीडियो देखना बंद करो कि लर्न DSE इन 30 डेज एंड क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, क्रैक गूगल, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत हार्डवर्क लगता है। अगर किसी का हो भी रहा है तो वो एक लक फैक्टर या फिर उसने बहुत एक्सेप्शनली हार्डवर्क किया है, मतलब वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, ऐसा समझ लेना। सो नाउ लेट्स डाइव मोर इनटू DSE प्रिपरेशन। सो मनराज आप मुझे ये बताओ कि विच रिसोर्सेज यू यूज फॉर लर्निंग DSE, तो यूट्यूब चैनल आप सजेस्ट करना चाहोगे टू द ऑडियंस जिससे उनको हेल्प हो प्रिपरेशन में? यूट्यूब चैनल तो कोई एज सच यूज नहीं किया, तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बेसिकली गीक्स फॉर गीक्स से ही कर रहा था DSE की जितनी प्रिपरेशन की है। अगर मेरे को कोई टॉपिक ऐसे नहीं समझ आ रहा तो स्ट्राइवर के यूट्यूब के वीडियोज हैं तो मैं वो यूज़ किए हैं। DSE कॉलेज करिकुलम में भी था बट हाँ वो कम्प्लीटली यूजफुल तो नहीं है, थोड़ा खुद से करना ही पड़ता है। तो स्ट्राइवर की दो DSE की शीट्स हैं, एक तो SDE शीट, एक A to Z DSE शीट। तो जो SDE शीट थी वो तो मैंने कम्प्लीटली पूरी की है और जो A to Z DSE शीट है उसके भी मैंने अराउंड 200 क्वेश्चंस किए हैं। और आपको कितना टाइम लगा वो A to Z शीट कंप्लीट करने में ड्राइवर की? 2-3 महीने okay. यानी समर वेकेशंस के ड्यूरिंग ही किया। बाकी लीड कोड पे भी मैं रैंडम क्वेश्चंस तो करता था तो उसमें भी मेरे अराउंड 300 क्वेश्चंस हैं और इंटरव्यू बिट भी मैंने यूज किया, उसमें भी 100-150 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सीन था, मतलब आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मतलब आपकी क्या अप्रोच रहती थी टुवर्ड्स द क्वेश्चंस? जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखूं तो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के सोचता हूं कि करना कैसे क्वेश्चन को, अगर सीधा सीधा एल्गोरिदम लग रहा है वो सब। बेसिकली फर्स्ट 10-15 मिनट सिर्फ सोचता था,
अगर समझ आ गया हो कैसे होगा तो वो मैं उसको ही बिल्ड अप ऑन करके कोड लिख देता था, हो जाता था. और मीडियम जो क्वेश्चन है वो तो अराउंड हाँ हो जाता है 20 to 25 minutes में. और जो लीड कोड हार्ड क्वेश्चन है उनमें कभी कभार ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 hour तक भी चले जाता है. बट ऑन एवरेज हाँ 40 to 45 minutes उन पे भी लगता है. जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था नॉर्मल इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस करने में भी. बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रही, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता रहा तो हाँ टाइम कम होता गया. एवरेज टाइम मीडियम का 20 minutes पे आ गया, हार्ड का 40 minutes और इजी तो देख कर हो जाते. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनराज एनी स्पेसिफिक एल्गोरिदम या फिर डाटा स्ट्रक्चर जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया, मतलब जो बेसिकली कोडिंग राउंड में आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हर कंपनीज के? तो मैंने जितने भी कोडिंग राउंड दिए थ्रू आउट द इंटर्नशिप सीजन, एक यही पैटर्न देखा कि एक ना एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ रहा था. माइक्रोसॉफ्ट का जो कोडिंग राउंड था उसमें 2 questions थे, दोनों डायनामिक प्रोग्रामिंग के ही आए थे. बाकी कंपनीज में मिनिमम 1 तो आता था एंड दूसरा एक ट्रीज या ग्राफ्स का भी क्वेश्चन आता था. तो आपको इन पे फोकस करना. तो आप थोड़ा डीएसए के प्रिपरेशन से बाहर आते हैं और बात करते हैं मनराज के रेज्यूमे पे. आई थिंक सिर्फ डीएसए के प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट हैव अ गुड रेज्यूमे टू. रिज्यूमे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली आपके रिज्यूमे में कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे आप कंपनी के लिए आप स्टैंड आउट करो. मेरे रिज्यूमे में 2 projects है बेसिकली जो मैंने इंटर्नशिप के ड्यूरिंग किए थे. अपने इंटर्नशिप मेरी बिट्स के प्रैक्टिस स्कूल के थ्रू हुई थी. ऐसा भी नहीं है कि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट ये भी है कि अगर नहीं भी है तो एक आधा पॉइंट आपके रिज्यूमे में बेसिकली होना चाहिए जिससे स्टैंड आउट करो आप. फॉर इंटर्नशिप्स, मतलब इंटर्नशिप्स में प्लेसमेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है. इंटर्नशिप्स में बिना लाइट हो सकता है, लाइट एक आधा प्रोजेक्ट हो तो ठीक चलता है. और मनराज अभी हम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और कुछ टिप्स दे दीजिए इंटरव्यू के लिए. तो माइक्रोसॉफ्ट का जब कोडिंग राउंड कंप्लीट हुआ था तो अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए. हमारा इंटरव्यू तो ऑनलाइन ही था, 2 rounds हुए थे. कई कंपनीज 3 rounds भी लेती हैं तो दोनों टेक राउंड्स हुए थे. फर्स्ट जो राउंड था उसमें तो सिर्फ डीएसए पूछा, 2 questions थे, इंट्रोडक्शन ली और उसके बाद 2 DSA के questions पूछ लिए सीधा. एंड वो दोनों लीड कोड मीडियम questions थे, मतलब सेम questions लीड कोड से आ गए. हाँ, यानी मैंने एक किया हुआ था, एक तो फर्स्ट टाइम देखा हो गया, बट इजी था, इंट्यूटिव सा था क्वेश्चन. तो सेकंड राउंड मेरा अराउंड 1 hour आफ्टर द फर्स्ट राउंड ही शुरू हो गया था. तो उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुई, सीधा प्रोजेक्ट्स पे गए. प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुई अराउंड 10 minutes एंड आफ्टर प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन मेरे को एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा था, रिकर्जन का क्वेश्चन था, वो भी हो गया था इजीली मेरे से. एंड अराउंड 10 minutes या 15 minutes उस पर लगे होंगे. और उसके बाद उसने एक मेरे को ऊप का कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे थे, आंसर कर दिए थे. बट हाँ, मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा बेटर आंसर कर सकता हूँ. टिप्स पे मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. अगर कुछ नहीं आता तो सीधा बोल दो कि नहीं आता. गलत आंसर देने से बेटर है कि नहीं आता बोल दो, कि तो वो ठीक है, उनको अच्छा लगता है ऐसे भी. बाकी मुझे नहीं पूछा, बट कई कंपनीज OS, OOPS, DBMS वो सब टॉपिक्स पे भी काफ़ी एक फोकस करती है. एक स्पेशल राउंड भी होता है कई कंपनीज का उसके लिए. तो इंटरव्यू के लिए आपको DSA से हटकर कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे OOPS हो गया, OS हो गया, DBMS हो गया. कमिंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, मनराज एक कड़क एडवाइस दे दो हमारे व्यूअर्स को. कड़क एडवाइस तो यही है कि स्टार्टिंग में होप लूज नहीं करना. अगर क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दो DSA कि नहीं होगा मेरे से, तो वो सब नहीं करना. सबसे नहीं होते शुरू में, प्रैक्टिस करते रहो, बेटर होता ही रहता है. फोकस्ड रहो और एक आधा दोस्त रखो जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो. यानी खुद नहीं हो रहा तो उससे डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बेटर रहता है अकेले करने से. और तो सिर्फ DSA भी फोकस ना करो, CGP थोड़ी मेंटेन करके रखो. CGP इम्पॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट में भी. इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो ये है कि रिज्यूमे अपना अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो. ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर लाइट लो और बात सोचो कि बाद में कर लूँगा, कोई नहीं अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर से बिल्ड करना शुरू करो. जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेटर है आपके लिए. मीन्स इफ यूर ड्रीम इज बिग टॉप टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होता. थैंक यू टू यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प हुई होगी और कुछ डायरेक्शन मिली होगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.